Hi friend, welcome back to my channel Science IQ, and today we are going to start chapter number 3, and the name of the chapter is Salient Features of the Constitution. So we are going to study about the features of the Indian Constitution. Okay, so वो लिया गया है बहुत सारी सोर्सेस से. ठीक है, बहुत सारी सोर्सेस से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे दूसरी कंट्रीज का, एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहां से भी इसको लिया गया. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली ये कहा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम है आफ्टर रैन सैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के, उन सबको देखा, उनकी एनालिसिस की, तब जाके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है. स्ट्रक्चरल पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इतना लार्ज है, लार्ज इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फिलोसोफिकल जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए स्टेट पॉलिसी के, वो कहाँ से आया है? उनका इंस्पिरेशन अमेरिका के और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से रेस्पेक्टिवली. पॉलिटिकल पार्ट की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे कि प्रिंसिपल किसका, कैबिनेट गवर्नमेंट का, एंड जो रिलेशन है किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में, वो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. जो दूसरे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. जैसे कि जो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसएसआर को अब रशिया के नाम से जाना जाता है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीका का, जापान का, एंड सो ऑन. मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वहीं से ज्यादातर जो मटेरियल है वो लिया गया है. फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट. मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और bear a close resemblance to the act of 1935. कहने का मतलब ये है कि 1935 का जो एक्ट था, बहुत सारे जो उसमें फेडरल स्कीम है, जुडिशरी हो गई, गवर्नर्स के बारे में, इमरजेंसी की पावर क्या होनी है, पब्लिक सर्विस कमीशंस, और ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है वो इसी एक्ट से ली गई हैं. मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आइडेंटिकल है और उनकी क्लोज रिजेम्बलेंस है किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ 1935 के. ओके, सो थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है. एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें एक स्पेशल प्रोसीजर हो इसके अमेंडमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिजिड है. उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर से ही बदलाव हो सकता है. फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो जिसको ईजिली अमेंड कर सकते हैं ऑर्डिनरी लॉज से भी, जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की ये खासियत है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज्यादा रिजिड है और ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट एक सिंथेसिस है दोनों की. आर्टिकल 365 प्रोवाइड करता है दो तरह के अमेंडमेंट के बारे में. आर्टिकल 365 क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर द टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट. सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. कुछ प्रोविजन है स्पेशल मेजोरिटी से हम उनको अमेंड कर सकते हैं, यानी टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए मेंबर्स की, ईच हाउस की जो प्रेजेंट है एंड जो वोटिंग भी है, 2/3, और एक मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की ऑफ ईच हाउस. ये होती है स्पेशल मेजोरिटी. मतलब 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट है और वोट जो कर रहे हैं उनको भी काउंट किया जाएगा, और एक मेजोरिटी होगी टोटल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर एंड अपर हाउस. कुछ जो दूसरे प्रोविजंस हैं उनको हम अमेंड कर सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट की,
एंड विद द रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स. मतलब जैसे कुछ अगर प्रोविजन है तो स्पेशल मेजोरिटी आनी चाहिए और 50% कम से कम स्टेट जो है उनकी उनकी हामी होनी चाहिए अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या कुछ एक ऐसा लॉ पास करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है, राइट. एट द सेम टाइम सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी नहीं, कुछ सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो सकता है पार्लियामेंट के. जैसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की अगर हम बात करें, ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते. कहने का मतलब ये है जो आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं उनको स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से उन आर्टिकल को हम अमेंडमेंट कर सकते हैं जो उन प्रोसीजर्स को या उन प्रोसीजर से अमेंडमेंट कर सकते हैं जो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते प्रोविजंस. सिंपल सी बात ही है, 368 के अंदर जो नहीं आते उनको स्पेशल मेजोरिटी से हम अमेंड कर सकते हैं, और जो प्रोविजंस 368 के अंदर आएंगे उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. तो फ्रेंड ये लेक्चर रहा है आज का. चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड है वो स्टार्ट मैंने कर दिया है, और आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. जो आपके फ्रेंड है जो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. और इसके साथ साथ हम लोग आपको एक गुड न्यूज देने वाले हैं, तो वो गुड न्यूज क्या है वो हम कल उसका शेयर करेंगे. और आपसे बस रिक्वेस्ट है सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू सो मच.